आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है हमारे ब्यूटी अकेडमी में, और मैं आशा करता हूँ आप सब आने वाले परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे, और साथ ही आपको सारे सेट तैयार करते चल रहे होंगे। हमें भरोसा है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ब्यूटी अकेडमी में, और मैं आशा करता हूँ आप सभी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे हैं और हमारे द्वारा दिए गए सारे सेट अच्छी तरह से रिवीजन कर रहे होंगे, और सारे सब्जेक्ट के हम सारे सेट अवेलेबल करवा देंगे। पीडीएफ में भी हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, जिसमें आपको जाके ज्वाइन करना है और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाना है, और जिसमें आपके एग्ज़ाम में हिंदी सब्जेक्ट में 4 से 5 नंबर के औपचारिक पत्र लेखन आते ही हैं, जिसको आपको अच्छी तरह से तैयार करके जाना है, जो आपके एग्ज़ाम में आपको एक धैर्य दिलाएगा। आपको मैं महत्वपूर्ण सारे पत्र लेखन करवाऊंगा, आपको इन सब के स्क्रीन शॉट ले कर लेने हैं और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेने हैं। एग्ज़ाम से पहले आपको इन सबको एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स? तो चलते हैं अपने, आपको पहला पत्र लेखन ये है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखना है, अथवा कुछ प्रश्न इस तरह भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। पिताजी को पत्र लिखिए और अपनी शैक्षणिक प्रगति एवं लक्ष्य से अवगत कराइए। आपको अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है, जिसमें आपको बताना है कि आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। आपको इसमें ये जानकारी उनको देना है। तो जानकारी देने के लिए कुछ पत्र को इस टाइप्स में लिखा जाता है। तो पहले आप यहाँ लिखेंगे अपने वार्ड क्रमांक, अपने एरिया के बारे में यानी जहाँ आप रहते हैं, फिर इसके बाद आप दिनांक डालेंगे। दिनांक डालने के बाद अपने पिताजी, बुजुर्ग माताजी, जिनको भी आप ये पत्र लिख रहे हैं, उनको हम आदरणीय पिताजी, पूज्य पिताजी, है ना, ये भाव से व्यक्त करते हुए पत्र को लिखना चालू करते हैं। इसमें आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे सादर चरण स्पर्श, अपने से बुजुर्ग बड़े को सादर चरण स्पर्श लिखते हुए अपने पत्र को आरंभ करेंगे। फिर लिखेंगे, अपनी जानकारी देंगे अपने बारे में। हर एक पत्र का यही एक पैटर्न होगा, इस पैटर्न में आप अपने बारे में बताएंगे। मैं यहाँ पर कुशल हूँ, आशा है आप भी पूरी तरह से कुशल होंगे। मेरी परीक्षाएं निकट आ रही हैं, मैं समय से अध्ययन में जुटा गया था, अतः सभी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरह से हो गई है। थोड़ी सी कठिनाई विज्ञान की तैयारी हुई थी, किंतु मैंने पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर अपना कार्य पूरा कर लिया है। अब मुझे विशेष चिंता नहीं है, विश्वास है कि विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त करने में सफल रहूँगा। फिर आपने अपने बारे में बता दी, अपनी जानकारी बता दी परीक्षा से रिलेटेड, फिर आप इसमें क्या कर लिखेंगे, अपने पिताजी को फिर चरण स्पर्श और अपने माता बुजुर्ग के बारे में जानकारी लेते हुए यहाँ पे लिखेंगे, पूज्य माता जी को चरण स्पर्श, छोटे भाई को प्यार। लास्ट में अपना अपना जानकारी देंगे, और जानकारी में क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी पुत्र चेतन। इसी तरह नेक्स्ट पत्र कौन सा है, आगे पत्र लेख की ओर चलते हैं, और इसको भी अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, और जल्दी जल्दी हम सारे क्वेश्चन को कम वक्त पे अच्छी तैयारी की ओर चलते हैं। इसमें आप जल्दी जल्दी इसको सब लिख लेंगे, ठीक है दोस्त? तो प्रश्न सेकंड, अपने बड़े भाई को पत्र लिखना है और उन्हें बताना है गर्मी की छुट्टी के बारे में,
ठीक है, तो इसमें अपने एड्रेस लिखेंगे जैसा कि बताए हैं, एड्रेस लिखेंगे, फिर लिखेंगे मैं जबलपुर से हूँ, दिनांक लिख देंगे, अपने भाई को जैसे पत्र लिख रहे हैं पिताजी को लिखेंगे, तो आदरणीय वर्ड से, आदरणीय शब्द से उन्हें आवेदन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, आदरणीय भाई साहब, सादर प्रणाम, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है कि आप सभी सदन होंगे, है ना। आजकल मैं परीक्षा की तैयारी में लगा हूँ, इसलिए पत्र लिखने में देरी हो गई है। मेरी परीक्षा 7 मार्च से प्रारंभ हो गई है और 5 अप्रैल तक चलेगी। परीक्षाएं समाप्त होते ही विद्यालय की ओर एक ग्रीष्म अवकाश भ्रमण का आयोजन निश्चित किया गया है। भ्रमण के लिए आप सभी लोग कश्मीर जाएंगे। इसके लिए आपके विद्यार्थी को 2,000 रुपये करने हैं। जमा राशि में क्या आपको मिलेगा? यात्रा, आवास, भोजन का प्रबंध इसी में किया जाएगा। कुछ धनराशि विद्यालय लाएंगे। इस प्रकार भ्रमण जाना चाहता हूँ, अतः आप 3,000 रुपये भिजवाने की कृपा करें ताकि मैं रुपये जमा कर सकूँ। घर पर माता जी, पिताजी को चरण स्पर्श, भाभी जी को प्रणाम और छोटे भाई को प्यार। आपका अनुज धीरज। भाइयों, आपको सिर्फ हर पत्र पे आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि पत्र किसे लिखना है, ठीक ना, किस से रिलेटेड लिखना है, और आपको सारे पत्र इसी प्रकार से लिखने हैं। अपने अंदर के भाव को व्यक्त करना है अच्छे सु शब्द से, सुलभ वर्ण से। बस पत्र लिखने का एक यही सरल उपाय है। आप और अच्छे नंबर पा सकते हैं, 4 से 5 नंबर आपको अंक पूरे के पूरे एग्जाम में मिल जाएंगे। जैसे इसमें आपको बताया गया है, इस पत्र में अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखना है। इसमें एक आपको मित्र को अपने बड़े भाई के शादी में, विवाह में बुलाने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, और इस पत्र में अपना पहले एड्रेस डालेंगे, दिनांक डालेंगे और अपने मित्र को प्रीमित वर्ड से उच्चारण करते हुए अपने मित्र का नाम लिखेंगे और उसे नमस्कार नमस्कार करते हुए इस पत्र को शुरू करेंगे। आपको सारे पत्र इसी प्रकार से कुछ लिखने हैं और पत्र में अपने बड़े भाई के विवाह के बारे में बताना है, किस तारीख को है, कब है, किस जगह है ना, किस स्थल पर ये विवाह होगा, और उनके माता पिता को चरण स्पर्श करते हुए अपना नाम लिख के इस पत्र को समाप्त करना है। ठीक इस तरह आप इन सबको स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको इन सबका क्वेश्चन बताया जा रहा हूँ। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपनी सहेली को पत्र लिखना है और उनके स्वच्छता का ध्यान करते हुए परामर्श देना है। इसी तरह ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आप इसे पूरी तरह से नोट कर लीजिए। जन्मदिन पर सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखना है, ठीक दोस्त, जन्मदिन पर ये इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। ये हो गए अनौपचारिक पत्र। इन सबको अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इन औपचारिक पत्र को कुछ इस टाइप से लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो कि आप विद्यालयों में लिखते हैं, ठीक है ना, विश्वविद्यालयों में देते हैं आवेदन करने के लिए, किसी चीज़ की छुट्टी लेने के लिए, कहीं जाने के लिए, किसी से निवेदन करने के लिए, इस टाइप के जो पत्र होते हैं औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इस पत्र का भी एक पैटर्न होता है। आप सिर्फ इस पैटर्न को देखिए और इस पैटर्न में फिर जो रीज़न है, जो कारण है, उसको आपको
ऐड करना है। तो आपको इसके बारे में बताते चलते हैं, अपने विद्यालय के प्रचार को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन लिखना है कि अपने प्रिंसिपल को एक आपके पास कुछ शुल्क नहीं है तो उन शुल्क को माफ़ करने के लिए एक आवेदन लिखना है। ठीक है, आप किसी गरीब परिवार से हैं, ठीक है, तो आपके पास पैसे ना होने की वजह से आप प्रिंसिपल को एक आवेदन लिखना है, उसमें ये लिखना है कि आपके पास पैसे ना होने की वजह से रुकावट आ रही है शिक्षा में। ठीक है, तो इसके लिखने के चलते हैं आगे। तो आप पहले क्या इसमें बताएंगे, प्रचार को उनको श्रीमान प्रचार महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर, यहाँ पे अपने कॉलेज स्कूल विद्यालय का नाम लिखेंगे। ठीक है ना, विषय क्या लिखेंगे, विषय जो आपका रीज़न है, कारण है, विषय यहाँ पे लिखेंगे। शाला शुल्क एवं परीक्षा शुल्क से मुक्ति के संबंध में जो आपका एक रीज़न होगा, आप उसको सब्जेक्ट रीज़न में लिखेंगे। फिर मानवर्षण से निवेदन करते हुए कहेंगे, सभी निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 का छात्र हूँ, मेरे पिताजी एक स्थान पर प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनकी मानसिक आय अत्यंत सीमित है, इतने कम वेतन से परिवार की रोजी रोटी की समस्या भी कठिन से हल हो पाती है, पिताजी के पास पैसे की कमी होने के कारण मैं अपनी शाखा शुल्क देने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरी इस परिस्थिति को दृष्टिपथ में रखते हुए शाला शुल्क और परीक्षा शुल्क मुक्त करने की कृपा करें। फिर इनको आप इसके आगे आपको विषय से निवेदन करते हुए कहना है, इस विषय में जो भी शाला के नियम है मुझे स्वीकार है, इस कृपा में आपका आजीवन आभारी रहूँगा। नीचे आपको लेफ्ट साइड दिनांक डालने हैं और प्रार्थी आदित्य कक्षा 10th बी सेक्शन डाल के आपको निवेदन को एंड करने हैं। ठीक, इसी तरह अपने प्रचार को शाला छोड़ने का स्थानांतरण पत्र TC देने आवेदन पत्र लिखना है। सेवा में श्रीमान प्रचार्य महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर, सेवा में लिखकर अपने प्रचार को महोदय से विनम्र करते हुए, ठीक ना, अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। विद्यालय का नाम लिखने वाले स्थान उनको निवेदन शब्द से आदरणीय करते हुए उन्हें बोलेंगे, सभी निवेदन है कि प्रार्थी कि आपके विद्यालय में कक्षा 9वीं का छात्र हूँ, ठीक है ना, उत्तम अंक उत्तीर्ण हूँ, इसी संयोग बस मेरे पिताजी का स्थानांतरण मुरैना हो गया है, इस हेतु मैं आपके आदर्श विद्यालय में आगे अध्ययन करने में असमर्थ हूँ, अंततः मुझे अन्य पढ़ाने हेतु शाला त्याग पत्र प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य कनिष्ठ छब्बा। ठीक है दोस्त, इसी तरह आपको सारे प्रश्न के आंसर आपको स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और कॉपी में नोट डाउन कर लेने हैं। सेंटर जाने के पहले आप सबको इसको रिवाइज ज़रूर कर लेना है, जिसमें आपके 4 से 5 मार्क्स बिल्कुल ना कटें। आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर होनी चाहिए और इन सब
को सफल करने के लिए हम आपके साथ बीटू अकेडमी हैं। आपको सारे सेट बेहतर तरीके से रिवाइज और जाके बीटू अकेडमी के पैर लिस्ट में आपको देख लेने हैं। जैसे कि आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण बता दे रहा हूँ जो आएंगे ही, जैसे अंक पत्र की द्वितीय प्रति भेजने के लिए, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए। ठीक, इसी तरह मैं आपसे इसी तरह मैं आपके लिए सारे सेट लेकर आता रहूँगा और यहीं पर आप ठीक है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आज यहीं तक, जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेट की ओर। धन्यवाद।